बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वी कंक्लूडेड चैप्टर नंबर 2 इन द लास्ट लेसन। हेयर इज समरी ऑफ द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इन एडिशन टू दिस वी टॉक्ड अबाउट दैट द रीजंस फॉर चेंज इन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन डिफरेंट इकानमी, जिसमें हमने बात की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ इकानमीज़ के अंदर ये जो डिफरेंट इकनॉमिक सेक्टर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो चेंज हो रही है, वो क्यों चेंज हो रही है, इस पर हमने तफसील से बात की। एंड वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिक्सड इकानमी। मिक्सड इकानमी क्या होती है और उसके इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं और उसके फीचर्स क्या हैं, इस पर हमने डिटेल से बात की। टूडे वी विल डिस्कस एंड ऑफ द चैप्टर रिव्यू क्वेश्चन। Here is the very first case. The case is that Adi's engineering company AEC makes parts of cars and trucks. These are then sold to car manufacturers in many countries. The parts include metal brake components and rubber seals to fit around the windows. AEC operates in the country X, which until a few years ago had an economy dominated by the agriculture and coal mining. Over the last 20 years, the relative importance of the primary sectors has declined. To be successful, AEC requires natural resources to make car parts and services provided by other businesses. कंज्यूमर इनकम आर रेजिंग रैपिडली इन द कंट्री एक्स। ये हमारे पास केस मौजूद है। केस ये है कि AEC एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि गाड़ियों के, कार्स के, ट्रकों के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स जो है वो बना रही है और वो स्पेयर पार्ट्स जो हैं फिर उसके बाद कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सेल आउट किए जाते हैं, यानी आउट ऑफ द कंट्री भी सेल आउट किए जाते हैं। ख़ास तौर पर उसने जिक्र किया यहाँ पर कि दीज पार्ट्स इंक्लूड्स मेटल ब्रेक कंपोनेंट्स एंड रबर सील्स, स्पेशली वो ब्रेक कंपोनेंट्स और रबर सील्स जो है वो तैयार कर रही है। किसी भी कंट्री एक्स के अंदर इसका बिजनेस मौजूद है और इस कंट्री के अंदर चंद साल पहले तक जो प्राइवेट सेक्टर था वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। ज़्यादातर ये मुल्क की इकानमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही थी या फिर कोल माइनिंग पे डिपेंड कर रही थी, यानी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न थी। पिछले 20 सालों के अंदर रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड। पिछले 20 सालों के अंदर इस मुल्क में प्राइमरी सेक्टर की अहमियत जो है वो कम हुई है। AEC को अपना बिजनेस कामयाब बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स रॉ मटीरियल जो है उसकी ज़रूरत है, जो कि वो कार पार्ट्स जो अभी तैयार करिए, स्पेशली रबर जो उस पर जो उसका अपने स्पेशलिटी है उसके अगर हम देखें तो वो उसको रबर की यानी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जो कि जाहिर है वो कहीं दूसरे बिजनेस से परचेज़ करती थी। और इसके आखिर में इसने बात की है कि इसके किस मुल्क में यानी कंट्री एक्स के अंदर जो कंज्यूमर इनकम है वो भी ऑन एवरेज बड़ी हैं, इनक्रीज़ कर गई हैं। Now we will discuss different questions asked from this particular case. The very first is define primary sector. Primary sector hota kya hai? Is pe humne pehle bhi baat ki thi. Primary sector is that sector of industry which is concerned with the extraction and exploration of natural resources which are often used in different businesses. Primary sector kya hai? Ye aisa sector कि जो बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने से कंसर्न होता है, वो ज़मीन खोद कर हो या ज़मीन के ऊपर हो, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन जो है वो बेसिकली इस सेक्टर से रिलेटेड है। वो तमाम एक्टिविटीज़ के जिनका ताल्लुक अल्टीमेटली रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के साथ है, वो फॉरेस्ट्री हो सकती है, वो फिशिंग हो सकती है, वो फार्मिंग हो सकती है, वो माइनिंग हो सकती है, ऐसी तमाम चीज़ें ये प्राइमरी सेक्टर कहलाती हैं। तो चूँकि ये दो नंबर का सवाल है, इसमें डेफिनेशन दे देना इज़ एनफ। हेयर इज़ द सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टू एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज दैट अ बिजनेस सच एज AEC रिक्वायर। अगेन दो नंबर का सवाल हमसे पूछा गया है कि कोई सी दो एग्जांपल्स दें जो सर्विसेज से रिलेटेड हों, ऐसी सर्विसेज
कि जो मुख्तलिफ बिजनेसेस को चाहिए होती हैं, जैसे कि AEC, यानी जो ऐसी AEC चूँकि एक इंजीनियरिंग फर्म है, ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं कि जो AEC रिक्वायर कर सकती है? नंबर ऑफ सर्विसेज आर देयर, हमसे दो पूछी गई। अगर हम इसमें बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज इनको चाहिए होंगी, जो कुछ ये प्रोड्यूस करेंगे ज़ाहिर है अल्टीमेटली उनको मार्केट करना होगा, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज इनको चाहिए होंगी। इसी तरह से एडवर्टाइज़र, कोई भी बिजनेस है अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है तो उसको अपने प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। तो इस तरह से ये दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। हेयर इज द थर्ड क्वेश्चन, आउटलाइन टू रीजंस व्हाई अ बिजनेस सच एज AEC कुड नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट अदर फर्म्स प्रोवाइडिंग ए नेचुरल रिसोर्स। पूछा ये जा रहा है कि कोई सी दो वजूहात बताइए कि एक बिजनेस, जिस तरह की ये बिजनेस है AEC, ये कामयाब नहीं हो सकता विदाउट अदर फर्म्स प्रोवाइडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी किसी भी एक ऐसी फर्म के लिए जो कि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो क्यों कामयाब नहीं हो सकती प्राइमरी इंडस्ट्री के बगैर, ऐसे फर्म्स के बगैर कि जो प्राइमरी यानी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने से ताल्लुक रखते हैं। कोई सी दो रीजंस पूछी गई हैं। द वेरी फर्स्ट, मे बी द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन, ये चार नंबर का सवाल है, साथ में एक्सप्लेनेशन तीन से चार लाइनों की ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि पहली रीज़न इस हवाले से हम दे सकते हैं कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन, किसी भी एक ऐसे बिजनेस के लिए जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अपनी कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की नॉन स्टॉप सप्लाई उसके लिए ज़रूरी है, तो जाहिर है वो एक दूसरा ऐसा बिजनेस जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर इस बिजनेस को डिपेंड करना पड़ेगा। द सेकेंड रीज़न, मे बी द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी इंश्योर्ड ओनली बाई द स्पेशलिस्ट सप्लायर्स, किसी भी बिजनेस के लिए मुमकिन नहीं है कि वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो, वही सेकेंडरी में भी इन्वॉल्व हो और वही टर्शरी में भी। ये स्पेशलाइजेशन का दौर है, इसमें बिज़नेस को कामयाब होने के लिए ज़रूरी है किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही स्पेशलाइज करे। तो ये रॉ मटेरियल की कंटिन्यूस सप्लाई भी एक ऐसा बिजनेस ही कर सकता है कि जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, तो इस लिहाज से ये दूसरी रीज़न यहाँ पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं कि AEC या इस तरह की जितनी भी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न बिजनेसेस हैं वो प्राइमरी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। Here is the next question. Explain two likely reasons why the relative importance of the private primary sector of country X economy has declined. कहता जी कोई सी दो रीज़न बताइए कि जिससे ये नज़र आया, हमने केस में बात की कि इस मुल्क के अंदर कंट्री एक्स के अंदर पिछले 20 साल के अंदर प्राइमरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस जो है वो बड़ी तेज़ी से कम हुई है। बहुत सारी वजूहत हैं इसकी जी। द वेरी फर्स्ट रीज़न, मे बी द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पब्लिक ओवरऑल। जब भी किसी मुल्क के अंदर हमने देखा कि लोगों की इनकम बढ़ती है तो उसके नतीजे में वो लोग प्राइमरी सेक्टर को जो है वो स्विच करके सेकेंडरी या इवन के टर्शरी की तरफ चले जाते हैं, तो एक वजह तो ये हो सकती है। सिमिलरली द अदर रीज़न मे बी चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ओवरऑल। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, अब तो मैकेनाइजेशन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, आसानियां पैदा हो रही हैं। प्राइमरी सेक्टर में शायद इनपुट जितनी ज़्यादा है उस लिहाज से आउटपुट उतनी ज़्यादा नहीं होती, रॉ मटेरियल अमूमन चीपर होते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो कुछ मैनुफैक्चर करता है उसकी वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक वजह है कि लोग स्विच कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के सेकेंडरी सेक्टर या इवन की टर्शरी सेक्टर की तरफ। हियर इज द फाइनल क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट मिनिस्टर इन द कंट्री एक्स रिसेंटली सेड द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री विल ऑलवेज बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द टर्शरी सेक्टर टू आवर इकोनॉमी। एक क्लेम किया है एक मिनिस्टर ने उस कंट्री एक्स के अंदर, और क्लेम ये है कि उसका कहना ये है कि उनका जो सेकेंडरी सेक्टर है ये हमेशा ज़्यादा अहम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द टर्शरी सेक्टर इन देयर पर्टिकुलर इकोनॉमी।
डू यू एग्री विद हिज व्यू, जस्टिफाई योर आंसर. 6 नंबर का आंसर, सवाल पूछा गया है कि इस मिनिस्टर ने जो क्लेम किया है क्या वो ठीक किया. तो हम इसमें बात कर सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, बट इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट इट डज नॉट वेरी विद इट डज वेरी विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन थिंग्स चेंजेस लाइक पर कैपिटा इनकम ऑफ द पब्लिक और चेंज इन द टेक्नोलॉजी. सो इट इज really very hard to claim that the certain economic sector will always remain more important for some particular country. ये मुमकिन नहीं है कि एक मुल्क के हवाले से आप ये कहें कि उसके अंदर हमेशा कोई भी एक ख़ास इकनॉमिक सेक्टर जो है वो हमेशा वही ज़्यादा अहम रहेगा. क्यों? कि लोगों के विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पेंडिंग पैटर्न भी चेंज होते हैं, इनकम भी चेंज होती है. इनकम चेंज होने से उनके स्पेंडिंग पैटर्न चेंज होते हैं, स्पेंडिंग पैटर्न चेंज होने से डिमांड फॉर कमोडिटीज़ चेंज होती है. डिमांड फॉर कमोडिटीज़ चेंज होने की वजह से उसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमिक सेक्टर्स पे. वो फिर उसी तरफ जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है स्विच कर जाते हैं उस तरफ. और इसी तरह से टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. टेक्नोलॉजी में बड़ी तेज़ी के साथ चेंजेस आ रही हैं. टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से भी इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. सिमिलरली कंपटीशन, जहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है वहाँ पे अमूमन ये होता है कि फिर नीश मार्केट चेक की जाती है, उसके लिए स्लॉट्स देखी जाती हैं और उस जगह को टारगेट करने की कोशिश की जाती है जहाँ पे कंपटीशन रिलेटिवली कम हो. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन मिनिस्टर साहब का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है.